दिल्ली की सत्ता से पिछले 21 वर्षों से भी ज्यादा वक्त से बीजेपी सत्ता का वनवास झेल रही है। क्या इस बार सत्ता का वनवास कटेगा या फिर 2015 की तरह बीजेपी को हार नसीब होगी? हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी। तिवारी जी, क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी सत्ता का वनवास काटने में सफल होगी? एक तो सत्ता सबसे हम लोगों को थोड़ी चिढ़ है, हम उसको सत्ता नहीं कहते, हम उसको सेवा काल बोलते हैं। निश्चित रूप से आपका जो भाव है कि हम सेवा, दिल्ली की सेवा से दिल्ली सरकार में हमको दिल्ली ने मौका पिछले 21-22 साल से नहीं दिया, और अब समय आ गया है जब दिल्ली उसकी समीक्षा कर रही है कि बीजेपी को दिल्ली से दूर रखने का फायदा हुआ या नुकसान। तो उसके मन में एक ही भाव आता है कि दिल्ली का बहुत हो गया है नुकसान, अब बीजेपी करे समाधान। केजरीवाल, उनकी आम आदमी पार्टी कर रही, लगे रहो केजरीवाल, एक पूरा कैंपेन उन्होंने छेड़ा हुआ है और कह रहे हैं कि जो पिछले 5 वर्ष में जो काम हुआ है जनता उसके आधार पर वोट देगी, तो बीजेपी उसका काउंटर करने के लिए बीजेपी के पास क्या रणनीति है? एक तो आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई, मुझे लगता है या तो उसके जो साथी हैं जो एडवेड बना रहे हैं वो भी बड़ी खुन्नस में है अरविंद केजरीवाल जी से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया उनके इस नारे ने कि अच्छे बीते 5 साल, क्योंकि वही अरविंद केजरीवाल 4.5 साल तो ये कहते रहे कि मोदी जी और एलजी काम ही नहीं करने दे रहे, यही हैं जो एलजी के कमरे में 7 दिन 8 दिन 10 दिन पसरे रहे धरने पे। तो वही व्यक्ति कहे कि अच्छे बीते 5 साल, दोनों कैसे हो सकता है साहब? इसका मतलब कि अब दिल्ली को ये हर्ट कर रहा है कि यार ये तो पहले बोलते थे मोदी और एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, अब बोल रहे हैं अच्छे बीते 5 साल, इसका मतलब अगला 5 साल भी ऐसा ही करेगा। और अभी आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट किया, एक वीडियो जिसमें आपकी तस्वीर थी, लगे रहो केजरीवाल के बैकग्राउंड में आपकी तस्वीर चल रही थी, तो वो क्या है, अपना प्रचार भी आपकी तस्वीरों के इस्तेमाल से कर रहे हैं, इस पर क्या कहना आपका? देखिए, अब ये तो कोई भी समझ सकता है कि मनोज तिवारी तो उनका उनके गाना में रहेगा नहीं, लेकिन अब चूंकि वो भाव ही झूठा है इसलिए वीडियो भी झूठा डाल दिए। जो व्यक्ति अपनी पार्टी के गाने का प्रचार में मनोज तिवारी का ब्रांड यूज करता है उसने ये तो बता दिया कि केजरीवाल अब ब्रांड नहीं है, मनोज तिवारी ब्रांड है। तो मनोज तिवारी का ब्रांड का तो भाई हमारी तो ब्रांड वैल्यू है ना, बीजेपी अध्यक्ष के रूप में मैं अपना काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सेवा भाव है। लेकिन मैं जब गाना गाता हूँ तो पैसे मिलते हैं, जब मैं कहीं नृत्य करता हूँ तो पैसे मिलते हैं, सिनेमा करता हूँ तो पैसे मिलते हैं। तो उसके इस हमारी ब्रांड वैल्यू के अनुसार उनको 500 करोड़ रुपया देने का मैंने क्लेम कर दिया है, उनको देना ही पड़ेगा क्योंकि वो IPRS एक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट है, उनको देना ही पड़ेगा, वो बच नहीं सकते, और उनके पार्टी से देना पड़ेगा, दिल्ली सरकार से नहीं। तो एक तो उनसे मैं पैसा लेने का केस कर दिया हूं, दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कि आप मनोज तिवारी का झूठा एड में जब फोटो लगा सकते हो तो इसका मतलब जो पीछे स्टूडेंट का लगाए थे वो भी झूठा था कि शिक्षा बड़ी चमकदार हो गई, जो महिलाएं बड़ी खुश हैं तो वो भी झूठा था। तो जो व्यक्ति फेक वीडियो मनोज तिवारी की डाल के अपने ट्विटर हैंडल से अपने गाने पे कर सकता है वो पूरी पार्टी और सोच ही फेक है, ये पता चल गया। और मैं समझता हूँ उन्हों हमारा काम आसान हो गया कि उनको एक्सपोज करने की और ज़रूरत हमको बहुत नहीं है, अब हमको विज़न बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली के लिए हम क्या करेंगे। मनोज जी, एक आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से बार बार ये कहा जाता है कि हमारे पास तो केजरीवाल जैसा चेहरा है लेकिन बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है ऐसा, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी बिना चेहरे की पार्टी है या वो बिना चेहरे के वो उतर रही है मैदान में, तो आखिर इसके पीछे क्या बीजेपी का नीति है? नहीं, अब तो आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि हमारे पास चेहरा ही नहीं है, चेहरा तो मनोज तिवारी ही है,
भाई चेहरा होता तो उनके अपने गाने पे तो चेहरा आता, जब उनके गाने पे ही उनका चेहरा नहीं आ पाया तो किसको विश्वास दिलाएंगे आप। दूसरी बात, बीजेपी का अध्यक्ष मनोज तिवारी और बीजेपी के पास जो नेता हैं वो नरेंद्र मोदी, उनका काम, इसके मुकाबले कौन आता है? नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है हम सबके पास, वो दिल्ली में ही बैठते हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी का कुशल संचालन है हमारे पास, जेपी नड्डा जी का एकदम जनता के साथ बैठ करके का छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को शक्ति देने वाली उनके पास एक बड़ी कुशलता है। तो इसके बाद हमारे पास सभी सांसदों का कार्य है, तो हमारे पास तो पूरी प्री प्लान्ड हम चल रहे हैं। हमने सिर्फ सीएम का फेस अभी नहीं घोषित किया है, वो जब विधायक जीतेंगे तो वो चुन लेंगे। जैसे 2016 में पहली बार क्या है दिल्ली बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष एक पूर्वांचली चेहरे को बनाया गया है, वो भी वेल नोन चेहरे को, क्या आप लोग को लगता है अगर मान लीजिए बीजेपी सत्ता में आती है और बीजेपी ऑफर करती है तो आप तैयार हैं मेरी सीएम बनने के लिए? जिम्मेदारी इस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, देखो मैं पार्टी का इस समय नेता हूं, दिल्ली का मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, प्रधानमंत्री जी भी आते हैं तो बगल में मेरे मुझे ही बैठना है, जबकि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, हर्षवर्धन जी, सब कुछ हैं। इतना बड़ा जिम्मेदारी अगर दिया गया है, अब अगर ये भी नहीं समझ में आता हो अरविंद केजरीवाल को और कांग्रेस को, तो उनको हम और क्या समझा सकते हैं। एक और सवाल, चूंकि पूर्वांचल से जुड़ा ही सवाल हम करते हैं, जैसे अभी संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उनका ये कहना था कि हमारे पास 13 विधायक हैं जो पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं, और तो क्या आपको लगता है कि इधर आप बीजेपी में अकेले चेहरे हैं मनोज तिवारी के रूप में, तो क्या आपको लगता है कि तिवारी जी 20 पड़ेंगे? एक तो क्या है ना, संजय सिंह जी आजकल बड़े परेशान हैं, क्योंकि उनकी कोई पूछ है नहीं पार्टी में, वो इस समय रोज अंदर अंदर न कुढ़ रहे हैं, कुढ़ रहे हैं। उनके चेहरे पे जो रौनक थी ना, वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि मैं जिस अरविंद केजरीवाल के साथ हूँ, इसी ने कहा था कि 500 रुपया का टिकट लेके बिहार से आ जाते हो, तुम लोग बोझ बन गए हो। उनको ये बात अंदर अंदर खाए जा रही है, क्योंकि जो पूर्वांचलियों को गाली दे रहा है, जो कह रहा है एनआरसी आएगी तो पहले पूर्वांचलियों को यहाँ से जाना पड़ेगा, मनोज तिवारी को जाना पड़ेगा, तो दूसरा नंबर संजय सिंह का होगा ना, इसलिए वो परेशान है कि या तो ये तो हम लोगों को हटाना चाहता है। अब उनके पास क्या है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब संजय सिंह जी का स्थिति है कि वो उनकी वो सांप और छुछुंदर की गति हो गई है, तो इसलिए उनकी बातों को बहुत महत्व देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल देखें तो दिल्ली एमसीडी के चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव जो पिछले साल हुआ, तो ये दो बड़ी सफलताओं के तौर पे दर्ज है, क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी वो सफलता आप दोहरा सकते हैं? और अगर आप सफलता दोहराएंगे, लगभग कितनी सीटें आपको मिलने की उम्मीद है? देखिए, मेरी कोई सफलता नहीं है, सब हमारी टीम की सफलता है, नरेंद्र मोदी जी के पॉजिटिव सोच का सफलता है, हमारे अमित शाह जी के सुंदर प्लान की सफलता है, और जिस पॉजिटिविटी के साथ हम सभी चलते हैं, हमको पूरा विश्वास है कि हमने दिल्ली का दिल जीता है और अब हम दिल्ली का चुनाव भी जीतेंगे। आपको कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? 47+, 3-4 दिन, 8 दिन 10 दिन पहले तक ये हम लोग 42 के आसपास सोचते थे, लेकिन CAA के ऊपर जिस तरह भ्रम डाल के इन लोगों ने हिंसा कराई है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, अब हम लोगों को 5-7 सीट का और इजाफा हो जाएगा। लेकिन एक और सवाल आम आदमी के जेहन में भी है, अगर बीजेपी सरकार में आती है तो अब बीजेपी ऐसा क्या कुछ करेगी कि जनता उसको चुने? देखिए, एक तो बीजेपी, आपका विजन क्या है? हाँ, हम सबसे पहले तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पिछले 5 साल में जो जो करने का दावा करेगी कि हमने इतना किया, इतना प्रति परिवार बेनिफिट दिया, इतने स्कूल बनाए, इतने कॉलेज बनाए,
इतने लोगों को नौकरी दिया, जो कुछ भी बताना है, इतना हमने प्रति व्यक्ति सब्सिडी दे करके पैसे का लाभ कराया, अगले 5 साल में बीजेपी मिनिमम उससे 5 गुना ज़्यादा करके देगी। ये मनोज तिवारी का शपथ भी है, और ऐसा ना करने की स्थिति में मैं राजनीति से संन्यास भी ले लूँगा, ये भी मैं आपके INS के चैनल पे बता रहा हूँ। दूसरा, हमें हर घर में शुद्ध जल नल से देना है, हमें एयर पोल्यूशन को 70% कम करना है, हमें 5000 इलेक्ट्रिक बसें लाने के साथ साथ CNG बसों से युक्त दिल्ली को ट्रांसपोर्ट को लास्ट माइल कनेक्टिविटी में दुरुस्त करने का संकल्प है, हमें बंद होते अस्पतालों को रोकना है, खंडहर बन चुके डिस्पेंसरी को वापस उसको बहुत सुंदर बना के देना है, और यमुना जी पर रिवर फ्रंट बना करके हमें दिल्ली को एक वरदान बनाना है, यमुना जी को दिल्ली में। और जैसे हमने मालिकाना हक दिया 40 लाख घरों को, वैसे ही जहां झुग्गी वहीं मकान करना शुरू कर दिया है, सभी झुग्गी वालों को अपना घर, 2 कमरे का घर, उसी में गैस कनेक्शन, उसी में पानी का कनेक्शन, उसी में टॉयलेट, उनको भी एक श्रेष्ठ जिंदगी जीने का अधिकार हमें देना है, बेघर को घर देना है, ताकि लोग ठंड में और गर्मी में ठिठुर के या जल के मरे नहीं। तिवारी जी, जब आपको 2016 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, एक प्रकार से कांटों का वो सेज मिला था पूरा, तो क्या आपको लगता है कि आप सभी को लेकर चलने में सफल हुए हैं? कई बार ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई कि कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेता या जो लोकल लीडर्स हैं उनको उनसे आपको सहयोग पूरी तरीके से नहीं मिल पाया, क्या आपको लगता है कि टीम वर्क से इस समय काम हो रहा है? अगर हम साथ नहीं होते ना, तो हम इतने चुनाव नहीं जीते होते। हमने 2017 का चुनाव जीता, हमने 2019 का चुनाव जीता, और आज भी हमने जिस प्रकार से आह्वान किया, भैया चलो रामलीला मैदान मोदी जी को देना है धन्यवाद 40 लाख मकानों के लिए, ओ भर गया। कौन कहता हमारे यहाँ इन फाइटिंग है? हमने जब कहा आओ बूथ सम्मेलन करते हैं, तो कैसा जलजला हुआ अमित शाह जी के कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ताओं का। वास्तविकता ये है कि देखो, राजनीतिक पार्टियों में महत्वाकांक्षा होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन हमारी स्वस्थ प्रतियोगिता है, और एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते हमको सबका बहुत स्नेह मिला है, और वही स्नेह इस बार फिर से हमको 47+ सीटें दिलाएगा। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आपका संकल्प पत्र कब तक आ रहा है? मुझे लगता है कि हम लोग ये नॉमिनेशन होते होते दे देंगे। और एक और सवाल हम करना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लिस्ट आने का क्या बीजेपी इंतजार कर रही है उम्मीदवारों की सूची जारी करने में? नहीं नहीं, अभी खरवास चल रहा है, खरवास बीतने दीजिए, सब हो जाएगा। अभी आपको मुझे लगता है कि 17 तारीख से हम लोगों के नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएंगे। एक और, चूंकि आप पूर्वांचल के एक चेहरे हैं, तो अगर भोजपुरी में आप अपील करना चाहेंगे अपने वोटर्स के लिए, तो क्या करेंगे? देखी जा भैया लोग, दीदी लोग, बड़ बुजुर्ग, बाऊजी लोग, माता जी लोग, आप सब लोगों के हम मनोज तिवारी गोड़ लागतनी प्रणाम करतनी, जो छोट बहू के आशीर्वाद भी हमार। बड़ी दिन के बाद एगो मौका मिलल बटे, एकरा के छोड़े के नहीं खे, एक एक घर में खुशी देवे के संकल्प बाटे बीजेपी के, और पहला बेर तो हम लोग के परिवार के एगो लड़का सामने अध्यक्ष बाटे, कौनो कोर कसर मत छोड़ब जा दिल्ली के खुशहाल बनावे में। तो ये थे दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, जिनका कहना है इस बार बीजेपी दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी और 45 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीत कर दिखाएगी। कैमरा पर्सन अनुपम के साथ नवनीत मिश्रा, INS दिल्ली।